इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ई इज द यूनिवर्सल सेट, मतलब सेट की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। तो बेसिकली एक यूनिवर्सल सेट का फंडा जब आता है तो हम लिख देते हैं कि ये यूनिवर्सल सेट है, एंड ए कोई भी एक सेट है जो दो सेट का यूनियन है, बी यूनियन सी, ठीक है ना। और मुझे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ई डिफरेंस, ई डिफरेंस, ई डिफरेंस, ई डिफरेंस, ई डिफरेंस ऑफ ए, इसका वैल्यू पूछ रहा है। अच्छा, अगर ए कोई भी एक सेट होगा जनरली, तो कॉमन सेंस हमारा क्या होता है कि ए डैश होता है ई डिफरेंस ए, या ई डिफरेंस ए डैश होगा ए, यही ना। ऐसा लिख सकता हूं। तो इस क्वेश्चन को जब मैं सॉल्व करने जाऊं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, एक तो पेशेंस होना जरूरी है कि इतना लंबा क्वेश्चन कोई देखेगा तो बच्चा बोलेगा यार बहुत लेंदी होगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। कॉमन सेंस लगाएंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो ई डिफरेंस इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे, मैं ट्रिक्स के साथ सॉल्व कर रहा हूं, ऐसे मैंने लाइन खींच लिया बेटा, ई डिफरेंस ए इसके जगह क्या लिखूंगा मैं, ए डैस, यही ना। ई डिफरेंस ए डैस इसके जगह क्या लिखूंगा मैं, ए। E difference A क्या लिखूंगा मैं, A dash। E difference A dash क्या लिखूंगा, A। E difference A क्या लिखूंगा, A dash। तो इस पूरे का रिजल्ट जो है वो आ गया A dash। अच्छा, A dash के जगह A के जगह वैल्यू लिख दूंगा, B union C का होल dash। और मुझे डिमरगंस लॉ पता है, B union C का होल dash होगा B डैश इंटरसेक्शन C डैश, तो ऑप्शन सी मेरा राइट ऑप्शन है। क्लियर।